देश में कोरोना की क्या स्थिति है ये आपको बताते हैं। देश में ओमिक्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में संक्रमण फैल चुका है, आंकड़े 1300 के पार पहुंच गए हैं। हरियाणा में 40 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, तो गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो एक दिन में 13 मामले सामने आए हैं। स्थिति आने वाले समय में चिंताजनक हो सकती है, इसके लिए शासन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। तमाम पाबंदियों को भी लागू करना शुरू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, 1300 के पार संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 40 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और एक दिन में गुरुग्राम में 13 मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही ओमिक्रॉन के आंकड़ों में भी इजाफा देखा जा रहा है। ये स्थिति चिंताजनक है। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट नजर आ रहा है, इसको देखते हुए लगातार अपील की जा रही है कि तमाम नियमों का पालन करें, फिर चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी तमाम पाबंदियां लागू की जाएंगी आने वाले समय में, अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही बरतते नजर आए तो। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर के। देश में ओमिक्रॉन अटैक